बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेट चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 44 में। लेट्स प्ले जीके क्विज 44। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्लेइंग क्विज, 10 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन के सामने सभी कैटेगरी से। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में सोचने के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। क्योंकि यह है एक वीडियो क्विज है, तो 10 सेकेंड बाद आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना तो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की एक क्विज डेली खेलना चाहते हैं तो लर्न वेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि हर नई वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें, जिससे कि आप हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये क्विज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए किरण खोंगसाई, ऑप्शन बी बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन सी दुष्यंत चौटाला या ऑप्शन डी थोवे मवेकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी दुष्यंत चौटाला। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी हैं। आपको बता दें दुष्यंत चौटाला TTFI के नए प्रमुख हैं। गुरुग्राम 30 जनवरी राष्ट्रपति दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में पदाधिकारियों को नया समूह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI में मामलों में प्रवाह लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बचेंद्री पाल या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। आपको बता दें बचेंद्री पाल बिहार की रहने वाली थी, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी कोलकाता में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी बिमला देवी या ऑप्शन डी मदर टेरेसा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी जी थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जुलाई के महीने में, ऑप्शन बी मार्च के महीने में, ऑप्शन सी जनवरी के महीने में या ऑप्शन डी सितंबर के महीने में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए जुलाई। जुलाई के महीने में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। आपको बता दें उत्तरी गोलार्ध के लिए सर्दी होने पर जनवरी हर साल सूर्य के निकट होती है। हम उत्तरी गोलार्ध गर्मियों के दौरान जुलाई की शुरुआत में सूर्य से दूर होती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1948 में, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 में या ऑप्शन डी अन्य। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोगोल क्या है? ऑप्शन ए
कोयले की राख, ऑप्शन बी नई तोप, ऑप्शन सी विशेष ज्ञान या ऑप्शन डी कंप्यूटर भाषा। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन डी कंप्यूटर भाषा, कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चेक पर कोड को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि क्या है? ऑप्शन ए MICR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी OMR या ऑप्शन डी LCR। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए MICR। चेक पर कोड को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि MICR है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित जी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि 5 = 5 है, 6 = 12, 7 = 21 और 8 = 32 है तो 9 = कितना होगा? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 9। आपको इस क्वेश्चन का जवाब हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस प्रकार GK क्विज 44 के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद क्विज खेलने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज डेली खेलना तो सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद चैनल को, क्योंकि हम इस प्रकार की एक क्विज डेली शाम 7 बजे लाते रहते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने अभी तक लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब किया है और डेली इस चैनल को देखते हैं। और जो नए यूजर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भी आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली एक नई क्विज मिल सके। ये हम क्विज शाम 7 बजे डालते हैं। अगर आपको ये क्विज पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।